जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अवलश गोत्र के बारे में। गोत्रावली में एक शब्द आता है अवलश। यह अवलश गोत्र खत्रियों में अधिक पाया जाता है, लेकिन अवलश गोत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि अवलश गोत्र की जो खुद की जानकारी है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवलश गोत्र जो है वो कौशल गोत्र की एक शाखा है। अवलश एक स्वतंत्र गोत्र नहीं है। अब कौशल गोत्र की 15-16 शाखाएं हैं, जिनमें से एक शाखा का नाम है अवलश। बहुत सारे खत्रियों का जो है गोत्र अवलश सुनने में आता है। तो आज हम उस अवलश गोत्र के बारे में कुछ जानकारियां प्रदान करेंगे। वैसे तो जो जानकारियां कौशल गोत्र की हैं वही अवलश गोत्र की जानकारियां हैं, क्योंकि ये उसकी एक शाखा है, इसका अपना स्वतंत्र आधार नहीं है। जो अवलश गोत्र के प्रवर हैं वो गरूप, महेंद्र, मयोभुव हैं। शासन जो है वो ग्रुप, महेंद्र, मयोभुव, लधान्या है। अवलश गोत्र का जो वेद है वो यजुर्वेद है। अवलश गोत्र का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। अवलश गोत्र की शाखा माध्यनंदिनी है। अवलश गोत्र का सूत्र कात्यायन है। अवलश गोत्र का छंद अनुष्टुप है। अवलश गोत्र की शिखा दक्षिण है, पाद दक्षिण है, और देवता अवलश गोत्र के शिव हैं। अवलश गोत्र के कुल देवता श्री बीराजी महाराज हैं। अवलश गोत्र की कुल देवी शिवाय माता हैं। कई लोग इस बात के असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या एक कुल देवी कई गोत्रों की कुल देवी होती है। हाँ बिल्कुल है। जैसे कि हिंगलाज माता बलूचिस्तान में है, बहुत सारी कुलों की देवियां हैं। जैसे नैना देवी है, बहुत सारी गोत्र और वंश उनको अपनी कुल देवी मानते हैं। वैष्णो देवी हैं, तो इसी प्रकार शिवाय माता भी जो है वो बहुत सारे कुलों की कुल देवियां हैं, बहुत सारे गोत्रों की कुल देवियां हैं। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो उनको अपनी कुल देवी स्वीकार करती हैं। यानी कि उस राजा के राज्य में जो जो गोत्र आदि रहते थे वो अपने कुल देवी उनको मान लेते थे। तो इसी प्रकार फिर से बात को दोहराना चाहूँगा कि अवलश गोत्र का अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र गोत्र नहीं है। वो कौशल गोत्र की एक शाखा है। जो जो बातें, जो जो सावधानियाँ, जो जो परंपराएं कौशल गोत्र की हैं वही सारी की सारी अवलश गोत्र की। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सी कास्टें ऐसी हैं जिनमें अवलश और कौशल दोनों ही पाए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जैसे कि आप अगर खत्रियों की सबसे बड़ी सरने मल्होत्रा को देखें तो मल्होत्रा में आपको अवलश भी मिलेगा और कौशल भी मिलेगा, जबकि गोत्र तो कौशल ही है उनका, लेकिन उसमें काफ़ी लोग अवलश को भी मानते हैं। इसमें उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों की गद्दी एक ही है, दोनों की कुल देवी एक ही है, दोनों के कुल देवता एक ही है। इसी प्रकार से आप जाइए चोपड़ा में, अगर हम चले जाते हैं चोपड़ा में कौशल भी हैं, चोपड़ा में अवलश भी हैं। हांडा में कौशल भी हैं, हांडा में अवलश भी हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारी जातियां हैं जिनका अवलश गोत्र है। तो इन सब की जो है कुलगुरु गद्दी हरियाणा के अंदर पानीपत क्षेत्र में है, पानीपत जिले के अंदर है। पानीपत जिले में एक भावना चौक क्षेत्र है, भावना चौक पर एक भावना क्लिनिक है। उसके बिल्कुल सामने जो है वो गली पड़ती है, वहाँ पर श्री बीरा जी कृपा धाम आश्रम है, जहाँ पर अवलश गोत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी जातियाँ हैं उनकी कुल देवी शिवाय माता का स्थान है। कौशल गोत्र का भी मुख्य स्थान कहा जाता है। ये कौशल गोत्र के अधीन आने वाली सभी शाखाओं का ये स्थान है। तो उसमें कुल देवी शिवाय माता का स्थान है, कुल देवता श्री बीरा जी महाराज का स्थान है, और यहाँ पर कुलगुरु गद्दी है, और अवलश गोत्र के जठेरे भी यहीं पर हैं। इसलिए आप अपने स्थान पर जा कर के वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कुल देवी, कुल देवता, कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए आप सभी से सहयोग अपेक्षित है।
और वो सहयोग केवल इतना सा ही है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये उपयोगी जानकारियाँ जन जन तक पहुँच सकें। जय श्री राम।